प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय मित्रों, 2 अप्रैल 2018 से पूर्ण उदय होंगे बृहस्पति और इन सात राशि वालों के लिए लेकर आ रहे हैं नई नई सौगातें और उनके लिए खोलेंगे कुबेर का खजाना। प्रिय मित्रों, इस बार 2018 मतलब अप्रैल को 2 अप्रैल को उदय हो रहे हैं बृहस्पति, तो पूरे 11 महीनों तक ये विचरण करेंगे। तो हम विस्तार से सारी चीज़ों को जानेंगे और प्रत्येक मेष से लेकर मीन राशि तक हम इस बात की चर्चा करेंगे कि उनके लिए यह उदय कैसा रहेगा और कैसा नहीं। तो चलिए मित्रों, अब हम वीडियो को मैं शुरू करता हूँ ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे वीडियो को आप पूरा देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम आपको बृहस्पति के ग्रह के आने वाले गोचर के बारे में बताएंगे। इस साल 31 मार्च को गुरु ग्रह का स्थानांतरण होगा, कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ लगभग ये 11 महीने तक रहेंगे। आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे मजबूत और विशाल ग्रह माने गए हैं। इनका प्रभाव यदि कुंडली में अच्छा है तो यह उम्मीद से अधिक लाभ दिलाते हैं, किंतु वहीं दूसरी ओर गुरु ग्रह का कमज़ोर होना जातक के जीवन की तमाम खुशियों को आने से पहले ही नष्ट कर देता है। आने वाले गोचर की बात करें तो गुरु ग्रह का तुला राशि में प्रवेश हो रहा है। तुला राशि का स्वामी ग्रह आप अगर बताएं गुरु ग्रह का शत्रु माना गया है। गुरु ग्रह के सूर्य, चंद्र, मंगल ये तीनों मित्र हैं और बुध शुक्र से शत्रुता व समशनि से है। तो प्रिय मित्रों, चलिए अब हम ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए प्रत्येक राशि के ऊपर बात करते हैं। तो मित्रों, इसमें हमारी जो सबसे पहले राशि आप वीडियो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो वो मेष राशि है। मेष राशि का जो स्वामी है, स्वामी ग्रह है, वो मंगल है जो कि गुरु ग्रह के मित्र हैं, तो संभव है कि इस राशि के जातकों को अधिक नुकसान नहीं होगा। इस राशि में गुरु सातवें भाव में गोचर करेंगे, परिणाम स्वरूप बिजनेस करने वालों को लाभ होगा। वे लोग जो साझेदारी का बिजनेस करते हैं उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा, यात्रा और प्रमोशन आदि क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। एक बार ध्यान से सुनिएगा, शिक्षा, यात्रा, बिजनेस और प्रमोशन, इन सभी क्षेत्रों में मेष राशि के जातकों को 2018 2 अप्रैल के बाद सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इनके लिए ज़्यादा नुकसानदायी नहीं होगा, क्योंकि मित्र होने के कारण ज़्यादा नुकसान नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिला के बात करें तो 2018 में अप्रैल के बाद का जो समय है वो मेष राशि को अच्छा है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट राशि की हम बात करते हैं। तो वीडियो स्क्रीन के ऊपर आप वृषभ राशि देख रहे हो। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हैं जो कि गुरु ग्रह के शत्रु ग्रह हैं। इस गोचर के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। गुरु आपकी राशि के छठे भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको कैरियर में आपका अच्छा परफॉर्म करेंगे, किंतु यह गोचर आपके स्वास्थ्य पर अटैक कर सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। इसलिए पहले से ही सावधानी बरतें और स्वास्थ्य को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की बात को, स्वास्थ्य को लेकर आप हल्के में ना लें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। नेक्स्ट राशि वीडियो स्क्रीन के ऊपर, प्रिय मित्रों आप मिथुन देख रहे हो। गुरु आपकी राशि के पाँचवें भाव में गोचर करेंगे। मिथुन के स्वामी ग्रह बुध हैं, जिसकी गुरु से शत्रुता होना इस राशि के लोगों को भारी पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों की राशि में गुरु की स्थिति मजबूत होगी उन्हें इस गोचर का काफ़ी लाभ मिलने वाला है। कैरियर, बिजनेस से लेकर रोमांस और शादीशुदा जीवन तक हर चीज़ आनंद का लाभ उठा पाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रिय मित्रों, नेक्स्ट राशि जो है वो आप वीडियो स्क्रीन पर कर्क देख रहे हो। गुरु ग्रह से चंद्रमा की मित्रता है और राशि में गुरु का उच्च स्थान दोनों इस राशि के जातकों के लिए फायदेमंद होने वाला है। इस दौरान जिन जातकों की कुंडली में गुरु मजबूत होते हैं उन्हें कई गुणा अधिक लाभ मिलता है। यह गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा, परिवार में खुशियां लाएगा और एक एक करके आपकी सारी इच्छाओं को धीरे धीरे पूर्ण करेगा, लेकिन समय लगेगा और धीरे धीरे जो आपका काम है वो बनता चला जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए ये खुशखबरी है। गुरु ग्रह से चंद्रमा की मित्रता होने की वजह से राशि में आपके उच्च स्थान का रहेगा, इसलिए आपको परिवार में भी खुशियाँ देगा और कई इच्छाओं को आपको धीरे धीरे पूर्ण भी करता चले जाएगा। मतलब 2018 अंत तक आपके सभी जो बिगड़े काम हैं वो बनने लगेंगे। नेक्स्ट राशि वीडियो स्क्रीन के ऊपर सिंह देख रहे हो। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है जो कि गुरु ग्रह का मित्र है।
यह आपको सफलता दिलाएगा। संभव है कि ऑफिस या बिजनेस में आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आपका बढ़ता आत्मविश्वास आपके जीवन को बदल कर रख देगा। कुल मिलाकर यह गोचर सिंह राशि जातकों के लिए बेहद 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 शुभ रहने वाला है। कहने का मतलब, प्रत्येक बात में आपकी जीत है, हर काम में आपकी विजय है। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है, जो कि गुरु ग्रह का मित्र है, आपको सफलता दिलाएगा और साथ ही साथ में बिजनेस और ऑफिस को लेकर आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है, जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। आप अपने आत्मविश्वास से, अपने धैर्य से पूरी दुनिया जीत जाएंगे। इस 11 महीने में आपके लिए ये बहुत बेस्ट उपाय रहेगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मित्रों, हम बात करते हैं कन्या राशि की। गुरु ग्रह का कन्या राशि के दूसरे भाव में गोचर होगा, फलस्वरूप यह गोचर लाभदायक होगा। आर्थिक मोर्चे पर आप सफलता हासिल करेंगे। कोई पुराना फंसा हुआ पैसा अगर अटका पड़ा आपका, तो वो आपको वापस मिल जाएगा। किंतु इस राशि का स्वामी ग्रह बुध है, जिसकी गुरु ग्रह से शत्रुता है। इस राशि जातकों के लिए थोड़ा बहुत कष्ट पैदा हो सकता है। अगर उसका भी आप उपाय वगैरह कर लें, तो ध्यान से अगर उपाय वगैरह करें तो वो कष्ट भी कट जाएगा। बाकी मैं वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगली राशि तुला है। तुला राशि के लग्न भाव में ही देवगुरु बृहस्पति का आना काफ़ी प्रभावशाली होगा। इस राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान सबसे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिसके दो कारण हैं। पहला, तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र गुरु का प्रबलतम शत्रु है और शुक्र हमेशा ही गुरु पर हावी रहा है। तुला राशि वालों को 2018 अप्रैल 2 अप्रैल के बाद थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। तुला राशि के लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना काफ़ी प्रभावशाली होगा। इस राशि के जातकों को गोचर के दौरान सबसे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिसके कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि एक दूसरे के शत्रु हैं, उसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें आप। चलिए मित्रों, नेक्स्ट हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, गुरु ग्रह का मित्र इस गोचर के दौरान इस राशि के जातकों को लाभ दिलाएगा। इस दौरान वृश्चिक राशि के जातक उन गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं जो अंदरूनी गहरी छापे छोड़ी हैं। आप अधिक दयालु, समझदार और संवेदनशील हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह कि इस दौरान भाग्य आपके पूरे पक्ष में रहेगा और साथ देगा। नेक्स्ट धनुराशि की बात करते हैं। यह गुरु ग्रह की अपनी राशि है, जिसका लाभ इस राशि के जातक को देखने को मिल सकता है। नए संपर्क बनेंगे, साथ ही पुराने दोस्तों का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको इस दौरान कैरियर की खास ग्रोथ मिलेगी। संभव है कि आप किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। इस गोचर का और भी अधिक लाभ पाने के लिए गुरु ग्रह को मजबूत बनाए रखने के लिए छोटे छोटे आपको उपाय करने हैं, जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अगर वो उपाय आप कर लेते हैं, तो धीरे धीरे जो परेशानी आ रही है जीवन में, वो कट जाएगी, कष्ट जो हैं वो निकल जाएंगे। अगली राशि हमारी मकर है। गुरु ग्रह के गोचर के बाद मकर राशि के जातकों को दो कारणों से सावधान होगा रहना होगा। पहला, इस राशि का स्वामी ग्रह शनि है, जो कि गुरु ग्रह का समग्रह है, तो संभव है कि नुकसान हो सकता है, तो कम करना मुश्किल होगा। दूसरा कारण, गुरु ग्रह का मकर राशि में नीच स्थान का साबित होगा, जिससे नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन ज्योतिष अवलोकन के अनुसार यह गोचर इस राशि के 10वें भाव में हो रहा है, वहीं कुछ आपको कैरियर क्षेत्र में नई उपलब्धियाँ हासिल कराएगा, मतलब शादी की संभावना भी आपकी पूरी पूरी बन रही है इस साल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंभ राशि की। शनि की राशि कुंभ के लिए गुरु ग्रह का यह गोचर मिला जुला रहेगा। 9वें भाव में गुरु का आना यात्रा, पढ़ाई, विदेश गमन के नए अवसर दिला सकता है। अगर कोई नए बिजनेस डील करने का सोच रहे हैं, तो समय अनुकूल है। जिन जातकों की कुंडली में गुरु और शनि दोनों का स्थान मजबूत होगा, उन्हें इस गोचर के दौरान कई सारे लाभ प्राप्त होंगे। जिन जातकों की कुंडली में गुरु और शनि दोनों का स्थान मजबूत होगा, उन्हें इस गोचर के दौरान कई सारे लाभ प्राप्त होंगे और धीरे धीरे उनके जो काम हैं, वो कुंभ राशि वालों के बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि का स्वामी ग्रह स्वयं गुरु ही है, तो संभव है कि जीवन में अधिक बदलाव ना आए, लेकिन हर पल सावधान बनाए रखें। गोचर आपकी राशि से 8वें भाव में हो रहा है, जिसके कारण फाइनेंस, लोन, टैक्स, सेक्सुअलिटी और इंटीमेसी आदि मामलों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गोचर का अधिक लाभ उठाने के लिए गुरु ग्रह को मजबूत करने के उपाय कर सकते हैं। चलिए, आपको गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, गुरु प्रभावशाली देव है, गुरु को देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना गया है, इसलिए पीला अनाज या
वस्तुएं अवश्य दान करें, पीले वस्त्र पहने, किसी का बुरा ना सोचें, कोई अपशब्द ना बोलें और गुरुवार के दिन पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, पीली चीज़ों का दान करें। जीवन से जुड़ी कोई और समस्या है, वशीकरण है, मनचाहा प्यार है, प्रेम विवाह है, प्यार है, किया कराया है, दुश्मन से छुटकारा है, तो वो भी आप स्वामी जी से डिस्कस कर सकते हो। ऐप भी पर स्वामी जी को फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ मित्रों वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।